अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पैरी पौना जी। टाइम हो रहा है 6:45 और 6:45 बजे हम दोनों माँ बेटे उठ गए हैं। अदरवाइज हम 6:30 तक उठते हैं, तो 45 मिनट्स हम पहले उठ गए। मेरी तो देखिए आवाज़ भी नहीं निकल रही, अभी शक्ल देखो। और मैं ना आपको ध्यान से दिखाऊँ, नहीं दिख रहे अभी कुटुम्बे से। मेरे यहाँ पे दोनों तरफ दो दो कुटुम्बे बन गए, छोटे छोटे से। आई डोंट नो मच्छर काटे कि क्या, बट मच्छर ही है। वाकई बहुत मच्छर था रात को। हम जाली वाला गेट खुला छोड़ देते हैं ना, उसकी वजह से मच्छर बहुत आ जाता है शाम को। और आरव रिवीजन कर रहा है और मैं अपनी बना रही हूँ चाय। मैं आपको दिखाती हूँ, आरव आपको पीछे दिख रहा होगा। आरवी हाय गुड मॉर्निंग, बालों को हाथ में लगाया जिसने। और सुबह सुबह बिना मेकअप की शक्लें देखो हमारी। ओए होए होए गाइस, यहाँ पर पानी थोड़ा उबाला है मैंने, अभी पानी पीने लगी हूँ गर्म गर्म। और ये रखिए अदरक, जिसका अभी हम इस्तेमाल करेंगे चाय बनाने में। पहले थोड़ा सा पीते हैं गर्म पानी, फिर बनाते हैं अदरक वाली चाय। फोन मैं कर रही हूँ आरव के हैंड ओवर, क्योंकि इसमें क्या है, हाँ NCERT ऐप जो हमने डाउनलोड कर रखी है ना, उसमें से रिवीजन करनी होती है। वेरी शॉर्ट वगैरह क्वेश्चन भी तो बड़े सारे हैं यार। चलिए अभी करता है 1.5 घंटा रिवीजन, तब तक मैं बनाती हूँ चाय। गाइस आरव की रिवीजन तो हो गई और टाइम हो रहा है 6:45, तो बस अब फटाफट आरव रेडी होने लगा है और मैं बनाने लगी हूँ उसके लंच के लिए मैगी। ही इज़ डिमांडिंग फॉर मैगी एंड फिंगर क्रॉस कि उसका एग्ज़ाम हो। और हमारी सारी विशेज सभी बच्चों के साथ हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो स्कूल के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन सबको हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए बनाते हैं मैगी। यहाँ पर अभी मैंने कढ़ाई रखी है और ये प्याज रखा है काटने के लिए। ये है हमारी मैगी जो हम बनाने लगे हैं। गाइस ये देखिए हमारी गर्मा गर्म मैगी हो गई है रेडी। और मैगी मैंने हल्की सी ना सूपी रखी है, ताकि बिल्कुल सूख कर पापड़ सी ना हो जाए। तो बस अभी थोड़ा सा स्टीम निकल जाए, फिर मैं लंच बॉक्स बंद करती हूँ। गाइज आज मेरे हस्बैंड गए हैं आरव को स्कूल छोड़ने, और लेने भी वही जाएंगे, क्योंकि मेरी स्कूटी के दोनों टायर, आगे वाला भी और पीछे वाला भी, दोनों पंचर हो गए हैं। और ब्रूनो को मेरा ये हेयर क्लिप नज़र आ रहा है, आ, 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 ये मेरे पर कूद रहा है इसको लेने के लिए, ओए लेके भाग गया। इतना शरारती है ना। आपको अब देखिए हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा, एक इधर और एक इधर, ये दो जगह तो मोटे मोटे गुडुम्बे बन गए हैं। और अभी ये सोने का टाइम, तो अभी मैं आँख बंद करके सोने लगी हूँ। नींद नहीं आ रही है, तो मैं आपसे मिलूँगी अब कुछ 10 बजे तक। वेलकम बैक जी, मैं आपसे मिली थी सुबह चाय वाय पीते हुए, आरव को थोड़ी सी रिवीजन कराते हुए। और अभी टाइम हो रहा है 1:15, 2 बजे मेरी ट्यूशन स्टार्ट है 2 से 4। और मैं अभी भाग रही हूँ, नाश्ता पानी सब निपटा लिया, आरव स्कूल से आ गया, आरव का एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ। मैं जा रही हूँ अपनी स्कूटी के दोनों टायर पंचर जो है उनको ठीक कराने, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के बाद थोड़ा सा होली सेलिब्रेशन होगा, और उसके बाद मुझे कल की सारी तैयारियाँ करनी है। गुजिया लानी है और दही भल्ले लाने हैं, दही लानी है, दूध लाना है, मठियाँ, शक्कर पारे, कचौड़ियाँ, ये सब चीज़ें कल के लिए चटर पटर पटर चाहिए। तो हम तो खाते खाते होली खेलेंगे, और खाने के लिए तो हम लोग हमेशा तैयार हैं। कल है सबका चीट डे, तो भर के खाएंगे जितना खाना है, क्योंकि ज़्यादा अगर खाते खाते होली खेलो ना, कलर का इफेक्ट कम हो जाता है। और बच्चों को एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भी चाहिए, तो ये सब चीज़ें मुझे आज ही अरेंज करके रखनी पड़ेगी। कल कुछ मिलेगा नहीं, और कल हम होली खेलेंगे तो हम जाएंगे नहीं। तो मेरे बाहर के काम आज बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए अभी ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मैं नहाई नहीं अभी, आज बिना नहाए ट्यूशन पढ़ाऊंगी, क्योंकि शायद हो सकता है मैं भी बच्चों के साथ होली खेलूँ, तो फिर बाद में नहाएंगे। तो अभी मैं चलती हूँ, जाती हूँ स्कूटी पे, दोनों जो टायर हैं उनका पंचर करवाती हूँ, ठीक, और आती हूँ। और फ़ोन के ऊपर चाहिए मुझे कवर, ताकि मैं व्लॉगिंग कर सकूँ होली खेलते हुए। A few moments later. Guys, आज तो बिना नहाए धोए ट्यूशन ले लिया है, और मैंने अभी अपनी सिस्टर के घर जाना था, उनके घर में हवन था, बट मैं नहीं जा पा रही, क्योंकि बच्चों ने होली का इतना उधम मचा रखा है, खाना पीना कुछ नहीं खाया हुआ। तो अब ये घर पे ऐसे ही इनको, घर इनके भरोसे छोड़ के खाली, और ये दरवाजे दरवाजे खुला करके भाग रहे हैं, गुब्बारे भर रहे हैं, कलर लगा रहे हैं, गली में खेल रहे हैं, तो मैं इनके भरोसे घर छोड़ के तो जा नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात है ब्रूनो की जिम्मेदारी, वो बेचारा इनको देख देख के भौंक रहा है बाहर होली के रंग खेलने के लिए या बाहर जाने के लिए। तो आई एम बाउंड फॉर दिस। अब अगर बच्चे को पाला है तो ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं अभी इनकी मस्तियाँ दिखाती हूँ, मुझे भी बुला रहे हैं। बट अगर मैं आज होली खेलने चली गई, तो फिर इसका ब्रूनो का क्या करूँगी, मैं ही खाना नहीं खाएगा मेरे हाथ के बिना, तो बड़ा मुश्किल है। तो ना मैं उधर जा रही हूँ, ना मैं आज अभी होली खेल रही हूँ, हाउ पुअर मी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये गाइस बड़ी मुश्किल से इस बेचारे को मैंने चुप करके अभी बिठाया, इसका खाना गर्म हो रहा है। गाइस ये देखिए, ये बच्चे खेल रहे हैं नीचे होली, और ये चल रहे हैं इनके गुब्बारेबाजी और रंग। अरे गुलाल क्यों नहीं लगा रहे तुम लोग, ये देखो। अब मैं इनको ऐसे होली खेलते हुए छोड़कर तो जा नहीं सकती, ये बड़ा मुश्किल काम है। गाइस बच्चे बाहर होली का फेस्टिवल इंजॉय कर रहे हैं, और मैं यहाँ ब्रूनो के साथ लगी हूँ उसके पीछे पीछे भाग कर खाना खिलाने में। अब बस मैंने बच्चों को 1 घंटे का टाइम दे दिया कि 4:30 हो गए, 5:30 बजे तक खेल के वापस आओ, और फिर मैं भी नहाऊँ धोऊँ, ये भी नहाएं, खाना खाएं, और फिर मैं बाजार जाऊँ, क्योंकि इनके होली खेलने के चक्कर में मेरा काम लटक गया, और कल की तैयारी करनी है। एंड आई कांट वेट, क्योंकि कल मैं भी खेल पाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे होंगे, तो ब्रूनो का मुझे टेंशन नहीं होगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या चल रहा है हमारा। ये देखिए गाइस ये बैठा हुआ है,
और ये है इसका खाना। तो अब मैं ये चम्मच लेकर जाऊंगी इसके पास, ये देखिए इस तरीके से, और ये जाएगा अब ऐसे, ये देखो, देख रहे हो आप, देख रहे हो, ये ऐसे मुंह से निकालता है, ये ऐसे करना पड़ता है इसके साथ खाना खिलाने के लिए। गाइज मेरे शैतान 6 बजे ऊपर आए हैं और अब मैं आपको बताऊं मेरी क्या ड्यूटी लगी है। पहले तो मैंने खाना बना दिया, क्योंकि सुबह का खाना खाया है, भूख भूख भूख, तो रोटी बना के रख दी है, खाना बना के रख दिया दोनों को। और अब ये देखिए जो गंदा हमने मचाया उसकी सफाई करने के लिए बड़े गंदे हैं। होली मैंने खेली नहीं, गंद इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक मचा दिया, पूरे घर में नीचे तक पोछे मारो जाके बताओ। कल तो चलो मुझे समझ में आता है मैं करूंगी, बट मुझे आज भी करना पड़ रहा है जबकि मैंने गंद मचाया नहीं। हाँ तो मेरी तो मेरे पे जाएंगी ना। मैं तू ब्लॉग में आ रही है, शुभ ब्लॉग में बाल पोंछते हुए। तो अभी आपने देख लिया सर इसकी गर्दन को बाल पोंछते हुए। तो चलिए मैं अभी सफाई करके जाती हूँ, फिर नहा धोकर बाजार। गाइज मैं अब निकल रही हूँ बाजार के लिए, शाम को 7:30 बजे जाके सारी सफाइयां दोबारा से हुई हैं। और वो आपको पीछे दिख रहा होगा बिगड़ा हुआ लड़का, होली सीधा हूँ कह रहे बिगड़ा हुआ क्यों, अब मैंने काम बता दिया, शुक्र है बालों में हाथ नहीं करने, ऐसे ऐसे शुरू हो जाता है आ गया होए होए। तो अब जो लिस्ट हमारी है वो मैंने ले लिए बनाकर, और जाते हैं मंदिर भी जाना है, रंग होली के बाबा जी को दिखाने हैं। तो चलिए अब आपसे मिलती रहूंगी। और सबसे पहले मोबाइल के लिए एक पन्नी, जो इसकी क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक शीट आती है, कवर आता है इसका, जो हम कल ब्लॉगिंग के टाइम यूज कर सके, तो वो भी पता करना है। चलिए गाइज हमने शॉपिंग तो शुरू कर ली है, बट मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर होली का दहन हो रहा है बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी होली है। देखिए ये देखिए गाइज कितनी बड़ी होली का दहन हो रहा है यहाँ पर, और कितनी लपटे ऊपर तक जा रही है। ओ बाप रे, माइंड ब्लोइंग, हैप्पी होली। मैं अभी पहुंची हूँ साईं बाबा जी के मंदिर, और कलर चढ़ाएंगे, गुलाल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, और मैं आपको मंदिर में दिखाती हूँ। पंखे वगैरह लग गए, बड़े सुंदर। ये देखिए गाइस मंदिर में जो पंखे हैं वो सारे लाइनवाइज लगाए गए, पूरा वाइट लाइटिंग तो आपने देख ही ली है, झूमर वगैरह कितना सुंदर है। तो चलिए चलते हैं मंदिर। जय साईनाथ जी, जय साईनाथ जी। गाइस मार्केट में इतना रश है ना, इतना रश, पैर रखने की जगह नहीं। स्कूटी पे हम चले तो गए बट बैंड बज गया बहुत ज्यादा। मैं आपको सामान दिखा दूंगी, एक मिनट यार बात करने दे। ये बच्चे बहुत बोलते हैं बीच में, व्लॉग नहीं बनाने देते। बाय गॉड मैं आपको दिखाती हूँ मैं लाई क्या क्या हूँ। देखिए मेरी शॉप पे गाइस, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं लाई क्या क्या हूँ। अरे ये वाली पन्नी खोलना जरा, मैं तब तक बाकी दिखाती हूँ। गाइस ये मेरा स्कूटर, तू पन्नी खोल पहले, फटाफट खोल। स्कूटर दिखाओ। हाँ जब पन्नी खोल, इसमें मैं ना 2-3 तरह की चीजें लाई हूँ। अरे उसमें गुजिया बुजिया है ना, देखिए ये है तिकोनी वाली मट्ठी, और ये है मेथी वाली कांगी, मेथी वाली मट्ठी। हाँ दो तो ये मट्ठियाँ हो गई। ये है गोलगप्पे जो मैंने अभी खाने हैं, ये है पेप्सी कल के लिए, और इसमें है मेन सामान हमारा जो सारे टेंगे टेंगे चिप्स हैं। ये देखिए एक मैं बड़ी अपने मतलब की चीज़ लाई हूँ, ये है इमली सौंठ वाली चटनी, आई लव इट, मट्ठियों के साथ मुझे बड़ी पसंद है। वेट बाकी इसमें दूध दही, और ये देखिए गाइस ये पार्ले जी का एक नया पैकेट आया। अरे देख ये क्या है, ओट्स एंड बेरी बिस्किट ऑफ पार्ले जी, मेरे को तो लग रहा है साबुन का पैकेट है। बताओ ओट्स बेरी वाले बिस्किट साबुन लग रहे हैं इसको, लल्लू कहीं का। तो बाकी ये दूध दही वगैरह, और मेन खजाना हमारा इसमें है ये है नमक पारे, इसको भी साइड करते हैं। पार्ले जी दो, ये है चटनी किसके साथ खाने के लिए, नमक पारे नहीं भल्ले, दही भल्ले। ये देखो कौन ऊपर शोर मचा रहा है, ये दही भल्ले हैं, और इसमें है गुजिया। ये है हमारी कल की प्रिपरेशन, और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भूली हूँ, मैं सब कुछ ले आई हूँ। और रात के लिए मैं लाई हूँ चाउमीन, क्योंकि अभी खाना बनाने का टाइम नहीं है, मुझे जाना है मेरी सिस्टर के घर। तो पहले मैं खाती हूँ गोलगप्पे, फिर मैं जाती हूँ उनके घर, फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए गोलगप्पे खाए गाइज, ये है गोलगप्पे हम जो खाने लगे हैं, और ये लगे हुए दोनों भाई जफियाँ पुचियाँ करने में, बस करो आ जाओ गोलगप्पे खा लो आ जाओ। ब्रूनो को देखो मैंने डाल के दिए थे, ये कुतुर पुतुर कान लगा हुआ, ये मेरा हाथ चाट रहा है, बताओ हाथ चाटने को दिया इसको मैंने। मेरी शॉपिंग तो देख ली थी, और मेरे हस्बैंड भी जब घर आए हैं, मैं थी नहीं घर पे एक्चुअली बाजार थी, तो वो घर आए तो वो भी कुछ वो चॉकलेट पुडिंग्स कॉल। तो गाइज मेरे हस्बैंड भी चॉकलेट पुडिंग और कुछ वो पिज्जा पैटीज आई डोंट नो क्या क्या लाए हैं। गाइज मैंने आपसे बात करनी शुरू की नहीं कि रॉन्ग नंबर बीच में आने शुरू हो गए, तो इंटरप्शन के लिए आई एम वेरी सॉरी, रॉन्ग नंबर था, चलिए कोई बात नहीं। तो खाने का सामान जो वो सब लाए हैं ना वो सब पैक्ड है, तो मैंने फ्रिज में रख दिया, अब मैं उसको खोलूंगी तो सुबह खोलूंगी, लेकिन चॉकलेट पुडिंग्स इन सब के सोने के बाद मैं खा सकती हूँ, मैंने पहले अल्टीमेटम दे दिया, क्योंकि सबके हिस्से की अलग अलग आई है 4। तो अभी मैं अपना ब्लॉग करती हूँ एंड,
और कल की तैयारी हमने कर ली है, सुबह जल्दी उठना है। और अभी ना बालों में मैंने बड़ा सारा ऑयल लगाना है, कोकोनट ऑयल। आप लोग भी बालों में अच्छे से ऑयलिंग कीजिए, हाथ पैर पर, फेस पर, नेक पर अच्छी तरह कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, ताकि कोई भी केमिकल, कोई भी कलर नुकसान ना करे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी कल। हम सब की तरफ से आप सबको छोटी होली, बड़ी होली, मोटी होली नहीं, छोटी होली, बड़ी होली दोनों की शुभकामनाएं। इंजॉय कीजिए बिना लड़ाई झगड़े के, अच्छे से खेलिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गाइज मैं आपको गुड नाइट कर चुकी हूँ और आप देखेंगे कि मैं दीवान में बैठी हुई हूँ। आ रहा हूँ उसी टाइम पे फोन ले आया जैसे ही मैं दीवान में बैठी हूँ। लाइटें क्यों बंद कर रहा है? बहुत डार्क क्लाउड लग रही है। नहीं, आप गोल्ड। मैं एक्चुअली होली की टी शर्ट ढूंढ रही थी जो लास्ट ईयर हमने ली थी, तो होली की एक ही टी शर्ट निकली है। आप सवाल ये कि लोग चाह रहे हैं और होली की टी शर्ट एक ही निकली है, तो अब क्या करें? तो फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग पुराने कपड़े बहुत पड़े हैं, कोई भी हम तीन टी शर्ट, मेरे तो आज जो पहनी थी मैं तो वही पहन लूंगा। और इशिका जो निकली है नई टी शर्ट, मतलब आप तो दिखी नहीं, वापस बोलो। जो टी शर्ट निकली है होली की, मैं थक गई बता बहुत, और मैं बेड में ही बैठ गई हूँ, तो वो होली टी शर्ट पहन लेगी जो निकल गई है। हम कुछ भी पहन लेंगे। मैं बेड में इसलिए बैठी हूँ क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा कपड़े उबड़ खाबड़ हो गए हैं, तो मैं इनको सेटल डाउन करने के लिए बैठ गई हूँ। ये ऐसे इनको सेटल डाउन किया जा रहा है, और बेड को बंद करेंगे और करेंगे सोने की तैयारी, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, होली खेलनी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। अब मैं नहीं मिलूंगी, सुबह नहीं मिलता।